इस वक्त की बड़ी खबर असल न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। बवाना नरेला रोड पर राजीव गांधी आवास योजना के जो फ्लैट कई सालों पहले दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से आम लोगों के लिए बनाए गए थे, लेकिन कुछ सालों से लगातार इन फ्लैटों में चोरियां की वारदातें जो हैं वो होती रहती थी। इनकी खिड़की, दरवाजे, यहाँ तक कि लेंटर तोड़कर तमाम जो सरिये हैं वो निकाल लिए जाते थे। इसी को लेकर आज यहाँ पर एक बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह तमाम जो बिल्डिंग है उनको एक खोखले पंडार में बदल दिया गया है। आप देख सकते हैं क्योंकि जीना जो है जीने को पूरा तोड़ दिया गया है। तमाम जो व्यवस्थाएं थी ऊपर जाने की वो सारी तोड़कर सरिये निकाल लिए गए, जिसके चलते यहाँ पर एक बिल्डिंग आज धराशायी होगी करीब, जिसमें 6 से 7 लोगों के दबने की आशंका बताई जा रही है, जिसमें से 2 लोगों को बाबा भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं कुछ लोग अब भी जो है वो बताए जा रहे हैं दबे हुए हैं, जिसको लेकर जेसीबी लगातार यहाँ पर खुदाई कर रही है। दमकल विभाग मौके पर है, DDMA विभाग मौके पर है, दिल्ली पुलिस मौके पर है, तमाम जो सुविधाएं हैं बचाव दल की वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब इसी को लेकर लगातार यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग दबे हुए हैं उन्हें भी सलकुशल जो है निकाल लिया जाए। जो लोग बताए जा रहे हैं, बात कर लेते हैं कहाँ के रहने वाले हैं जो लोग अंदर दबे हुए हैं। जय कॉलोनी, वो कौन सी जय कॉलोनी? जय कॉलोनी भवाना, जय कॉलोनी भवाना के। अच्छा, क्या करने आए थे यहाँ पर? वो करते हैं इस बाइक की टूटन है, अपना तोड़ फोड़ किया और क्या करें। अच्छा। नशेड़ी आदमी के क्या काम है, इधर तो ना उधर तोड़ा, उधर छीना, उधर लूटा। कितने लोग दबे? अभी जानकारी नहीं है भाई कितनी है, 10 हो 20 हो 5 हो 2 हो 4 हो, लेकिन इसमें 2 जानकारी है कि 2 लेडीज है, एक बच्चा और एक लेडीज है, वो बकरी चराने के लिए आई थी, वो क्रॉस कर रही थी। एक बच्चा और एक लेडीज भी बताई जा रही है कि दबे हुए हैं, और अब प्रयास जो है वो लगातार जारी है दमकल विभाग का, क्योंकि दमकल विभाग के अधिकारी भी यहाँ पहुँचे हैं और कहीं ना कहीं जो है बचाव दल जो है पूर्ण जो कोशिश किए हुए हैं कि जो दबे हुए लोग हैं उन्हें सलकुशल निकाल लिया जाए। हालांकि 2 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। आप देख सकते हैं कुछ बता रहे हैं कि सामने भी कुछ दबा हुआ है, पहली तरफ बता रहे हैं कि कुछ लोग हैं अभी भी जो इसके अंदर दबे हुए हैं। अब दमकल विभाग और अन्य जो टीम आई हुई है वो बचाव दल में लगातार लगी हुई है ताकि जो लोग दबे हुए हैं जो उनको सलकुशल निकाल लिया जाए, क्योंकि लंबे समय से खाली फ्लैट पड़े थे और जिनमें चोरियां लगातार हो रही थी। इसी के चलते जो निचला हिस्सा दिखा दूं आपको कि किस तरह जो यहां पर लोग आते थे वो किस तरह यहां से सामान निकालते थे, और इसी की वजह से जो है बिल्डिंग जो है वो धराशायी हुई है। आप देख सकते हैं जो पूरी बिल्डिंग है नीचे से पूरी खाली कर दी गई है, इसी तरह से वो बिल्डिंग भी कर दी गई थी, क्योंकि पूरा जो लेंटर तोड़कर इसके अंदर से सरिये जो हैं वो निकाल लिए जाते हैं। सरिये निकालने के बाद जो बिल्डिंग का ढांचा था वो कमज़ोर हुआ ऊपर से, और वो पूरा का पूरा एकदम धराशायी हुआ है। और कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि एक जो शख्स है वो दिखा है कहीं दबा हुआ है, जिसको निकालने के लिए कुछ लोग अभी आगे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कितने लोग और इसके अंदर दबे हो सकते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि दबे हुए हैं, और देख सकते हैं आप कि कुछ मिला भी है, और आपको दिखा दें एक बार, कहूँगा कि एक बार आगे होकर दिखाएँ थोड़ा कि जो अंदर दबा हुआ था उसे देखने के लिए लोग गए थे, लेकिन उसको जो है निकालने की कोशिश वो लगातार की जा रही है यहाँ पर, क्योंकि दमकल विभाग और DDMA विभाग लगातार यहाँ पर मौजूद है। और देखने वाली बात है कि कब तक इस बचाव दल ये कब तक ये ऑपरेशन चलाया जाएगा, कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें यहाँ मौजूद है, दमकल विभाग मौजूद है, तमाम व्यवस्थाएँ हैं जो की गई हैं। तमाम जो लोग यहाँ बताए जा रहे हैं वो जय कॉलोनी भवाना के बताए जा रहे हैं कि कुछ चर्सी हैं, कुछ नशेड़ी हैं जो अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए यहाँ पर आते हैं और यहाँ से सरिये जो है वो तोड़ते हैं। अब कई घंटे तक ये ऑपरेशन चलेगा, इसके बाद ही सुचारू रूप से पता चल पाएगा कि कितने लोगों की मृत्यु हो पाई और कितने लोग इसके अंदर और दबे हुए हैं। दिल्ली से नीतीश सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।